समटाइम्स हम जब किसी रिलेशनशिप में या इमोशनल समथिंग किसी में भी होते हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं जिससे सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड की डिफरेंसेस हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक सिचुएशन में और कॉन्शियस माइंड में हमें लग रहा है कि डर लग रहा है कि अगर कुछ और हो गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ना फेस करने पड़े। अब क्या हुआ कि उसको इतना ज़्यादा हम होल्ड कर लेते हैं कि एक्चुअली में वो हमें फील होने लग जाता है, और उसकी वजह से कि और जो जिन चीज़ों का डर था कि कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, चाहे वो हो नहीं रहे, हमें फील हो रहा है कि शायद वो हो रहे हैं, उसकी वजह से और फंसे जा रहे हैं उस प्रॉब्लम में। तो जैसे कि ख़त्म करना है उसको सबकॉन्शियस लेवल पे, कि सोचना ही नहीं है या फिर हमें इफेक्ट ना करे वो चीज़ ज़्यादा। द मोमेंट यू से सोचना ही नहीं है तो वो सोच और पावरफुल होती चली जाएगी, क्योंकि ये सोचना ही नहीं है आ कहाँ से रहा है, क्योंकि आप उस सोच से डर रहे हो, समझ गए। देन यू विल ट्राई टू एस्केप इट, द मोर यू आर ट्राइंग टू एस्केप इट उतना ही वो आपके पीछे उतनी ज़्यादा पावर के साथ आएगा। तो अब क्या करें? इनका क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि फ्यूचर से रिलेटेड या किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड किसी तरह के कुछ डर होते हैं हमारे माइंड में, और वो डर रियल नहीं है, हम सोच रहे हैं कि शायद ऐसा हो गया तो ये होगा, लेकिन उसको इतनी बार हमने सोच लिया कि अब वो लाइन ही बीच की हट गई है कि हुआ तो और वो एक्चुअल में हो रहा है। कहीं पे जॉब कर रहे हो तो आपके अंदर एक डर आ गया कि मुझे निकाल दिया तो पता नहीं क्या होगा, एक्चुअल में नहीं निकालने वाले हैं, ऊपर जो लोग बैठे हैं उनका प्लान ये है कि भैया इसको तो जब तक इसके बाल सफेद नहीं हो जाते या बाल सफेद होने के बाद भी झड़ नहीं जाते पूरे तरीके से तब तक इसको नहीं जाने देंगे, लेकिन आपके माइंड में क्या बैठ गया कि मुझे निकालना थे। मतलब दो रियालिटीज यहां पे खड़ी हो चुकी, एक रियालिटी क्या है जो एक्चुअल में फैक्ट है कि वो आपको निकालने के बारे में सोच तक नहीं रहे हैं, दूसरी रियालिटी क्या है कि आप कल निकलने वाले हो। आपके एक वीडियो में भी था कि अगर आपको डिफरेंशिएट करना है बिटवीन दीज टू थिंग्स तो आपको क्या सोचना चाहिए, व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज एन इल्यूजन। तो इल्यूजन आर समथिंग जो आपके बिलीव्स पे बेस्ड है और रियलिटी इज जो है, तो हम सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे व्हाट इज रियलिटी एंड व्हाट इज इल्यूजन। इल्यूजन मतलब क्या, एक तरह का एक सपना आप देख रहे हो, तो सपने की वजह से जो रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी पे क्या वो उससे अलग होते हैं जब एक्चुअल में वैसा हो रहा होता है, बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे सपने के टाइम हो रहा होता है। सपने में चाहे एक मगरमच्छ आकर के आपको खाए, चाहे असली में एक मगरमच्छ आकर के आपको खाए, डर बराबर लगता है या अलग अलग लगता है? बराबर लगता है, चाहे सपने में छत से गिरो चाहे एक्चुअल में गिरो, दिल की धड़कन दोनों केस में रुक जाती है, बॉडी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। अब इसके बीच के फर्क को हम कैसे समझे, शुरुआत पता है कहां से करो, एवरीथिंग वॉट एवर इज देयर हियर, अंदर कुछ है आपके, क्या क्या है अंदर आपकी, मेमोरी नाम की एक चीज है, उस मेमोरी में क्या क्या पड़ा हुआ है, कितने तरह के डर पड़े हुए हैं, कितने तरह के वहम पड़े हुए हैं, कितने तरह के अंधविश्वास पड़े हुए हैं कि ये करने से वो हो जाता है, वो करने से ये हो जाता है, ये नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बहुत तरह के डर है ना हमारे अंदर, बहुत कुछ पड़ा हुआ है ना, वो सब किससे कनेक्टेड है, मेमोरी से ही तो कनेक्टेड है, जिसको आप माइंड बोलते हो, माइंड मेमोरी के बिना कहाँ है, माइंड अगर मेमोरी हटा दूं तो माइंड कहाँ है, थॉट कहाँ है, अगर मेमोरी नहीं है और मुझे देख रहे हो तो क्या कोई थॉट आएगा? ध्यान से समझो, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इफ यू गाइज एक्चुअली वॉन्ट टू लिव इन रियालिटी, रियालिटी मतलब टू बी फ्री फ्रॉम एवरीथिंग, टू बी फ्री फ्रॉम थॉट्स, टू बी फ्री फ्रॉम माइंड। माइंड इज गोइंग टू बी इन योर कंट्रोल बट यू विल नॉट बी इन कंट्रोल ऑफ योर माइंड। ऐसा कैसे होता है, इसका पहला स्टेप क्या है, जो भी कुछ अंदर पड़ा हुआ है सब बकवास है, यहां से शुरू करो। है हिम्मत? बहुत कम लोगों में होती है हिम्मत। क्या क्या मान रखा है अपने अंदर, पकड़ा हुआ है नहीं पकड़ा हुआ है, बहुत कुछ, रिलीजन से रिलेटेड, इससे रिलेटेड, उससे रिलेटेड, रिलेशन से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, पता नहीं क्या क्या नैरो बिलीफ बने पड़े हैं। बिलीफ्स आर ऑलवेज नैरो। तो अगर आप इस सच को देख लो कि जो भी अंदर पड़ा हुआ है दैट इज नॉट रियलिटी, दैट इज जस्ट एन इल्यूजन, अब यहां से शुरुआत हो जाएगी रियलिटी को देखने की। लुक एट द रियलिटी एज इट इज एंड देन एक्ट इन दिस वर्ल्ड, देन यू आर फ्री टू एक्ट। इस तरह से जब आप जीते हो यू आर एब्सोल्युटली फियरलेस, नाउ देयर इज नो फियर ऑफ एनी काइंड।